हेलो बच्चों, बेटा कल हमने क्या बात की थी? कल हमने एक रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फेल अप किया था, ठीक है? क्या है रिजल्ट आपको याद होगा? ये आपकी रिंग थी, सर्कुलर रिंग। मैंने बताया था बच्चों कि इसको इनसाइड कहेंगे तो ये वाली साइड आपके बोर्ड से टच है, ठीक है, और ये वाली साइड बाहर की तरफ है, ठीक है। तो करंट आपका ऐसे घूम रहा है इसमें, यानी कि फिंगर्स को इस तरह अगर हम कर्ल करेंगे तो थंब की ये डायरेक्शन, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो ये डायरेक्शन हो गया आपकी बी वेक्टर की, ठीक है बेटा, बी वेक्टर की ये डायरेक्शन होगी आपकी, ओके। उसके बाद आपने सेंटर से एक्स दूरी पर यहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था ड्यू टू दिस रिंग जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, ओके। तो रिजल्ट आया था हमारे पास बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4π 2π ए स्क्वायर इंटू आई, और बेटा ए इस रिंग का रेडियस था, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये दूरी एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, ठीक है बेटा। और अगर यहीं पर इस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाती है तो हमने 4n टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया था एक्सिस के लिए, ठीक है। तो ये आपके एक्सिस पर दूरी है। फिर आपने ये भी बताया था कि अगर एक्स वैल्यू 0 हो जाती है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आएगा, जबकि जो रिंग हमारी चार्ज रिंग होती है तो उसके लिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस आया था वो रेडियस का 1/√2 आया था प्लस माइनस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है बेटा, ओके। आपने न्यूमेरिकल डिस्कस करने आप इस पर, तो पहला न्यूमेरिकल तो है आपका बेटा एक रिंग, आपको फर्स्ट देखिए एक रिंग आपको ये वाली दी गई है और दूसरी रिंग आपको ये वाली दी गई है, ठीक है। इसमें आपका ये करंट इस तरह से घूम रहा है और इस वाले में आपका करंट ऐसे घूम रहा है। सेंटर ओ पर हमें बी नेट फाइंड आउट करना है, बी नेट एट ओ पॉइंट, ओके बच्चों। तो बेटा जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिंग आपको गिवन है वो दोनों ही सेम साइज की है, यानी दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, तो ए जो है वो हमने ले लिया रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग, दोनों रिंग का रेडियस, ठीक है। अब देखिए इधर, यहाँ पर जो आपकी ये वाली रिंग है इसको हम नंबर वन नाम दे देते हैं और इस वाली को नंबर टू नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना जो आपकी फर्स्ट रिंग है ये करंट ऐसे अगेन उसी तरह से, ये इन साइड है बेटा और ये आउट साइड है इस वाली रिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस पे हाथ रखो बोर्ड पे और आउट वाले की तरफ घुमाओ तो करंट ऐसे घूमता हुआ यूं आएगा ना बाहर, तो ऐसे घूम रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपके पास B1 वेक्टर। बोलो बेटा, पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं फिर बाद में लिखेंगे मैग्नीट्यूड कितना है, ओके। उसके बाद दूसरी वाली रिंग की वजह से देखना, इसकी वजह से तो आपने बता दिया, ठीक है। अब इस वाली रिंग की वजह से देखो, ये वाली रिंग देखो, कल आपको बताया था कि जो पहली रिंग है आपकी ये वाली फर्स्ट रिंग, ये तो ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और जो दूसरी रिंग है वो ऐसे रखी हुई है बेटा, ऐसे दूरी, ठीक है। तो इस रिंग में जो आपकी कौन सी साइड ऐसे करंट घूमेगा यू, तो ये देखो ये करंट ऐसे घूमता हुआ बाहर की तरफ निकलता हुआ आ रहा है, तो ये बोर्ड से टच हुई तो ये साइड आप इन बोल देंगे और ये वाली साइड आउट बाहर की तरफ, तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यू करंट घूम रहा है इसमें। तो जब आप ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में तो थंब ऊपर जाएगा आपका और ये देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड B2। बोलो बेटा, डायरेक्शन समझ आई कि नहीं आई? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मेरे पास B1 और B2 दोनों आ गए हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हम इनका मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो सबसे पहले जो O पॉइंट है वो दोनों रिंग के सेंटर का पॉइंट है, दोनों का सेंटर का, तो हमें यहाँ सेंटर का रिजल्ट लिखना है। तो देखिए B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π I/a रेडियस इंटू में एंगल 2π। बोलो बेटा,
अब डायरेक्शन की बात है तो लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड इस तरह से आप दिखा सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए बी टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई ए इंटू टू पाई। बोलो बेटा दोनों का साइज सेम है, बिल्कुल एक जैसी रिंग है आपकी, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे रखी गई है कि दोनों का सेंटर कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर B1 इक्वल टू किसके है B2, बट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट B1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू B2 वेक्टर। बोलो बेटा तो देयरफॉर बी नेट जो होगा बी नेट क्या वो अंडर रूट करके B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 cos 90 करूंगी, 90 वाली टर्म खत्म और B1 B2 इक्वल है। तो याद करो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको, रूट टू टाइम्स आइदर या तो B1 या B2 कौन सा लिखना आपकी मर्जी है, ठीक है। तो रूट टू टाइम्स ऑफ B1 तो B नेट कितना आ गया बेटा जी, ये आपका आ गया है अंडर रूट B1 की वैल्यू पुट कर दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई और बेटा ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ओके। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट। अब डायरेक्शन की बात आ जाए तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, अपने इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास B1 B2 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और राइट एंगल है तो एग्जैक्टली बीच में आपका रिजल्टेंट आएगा, एग्जैक्टली बीच में हमारा क्या आएगा रिजल्टेंट आएगा। तो ये एंगल कितना बनाएगा B1 के साथ 45 और B2 के साथ भी 45 बनाएगा। बोलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, ओके बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आपको वीडियो से अगर लिखना हो तो आप वीडियो से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिंग के रिजल्ट है जो करंट कैरिंग रिंग थी जब आपने बी एट सेंटर फाइंड आउट किया था तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू में एंगल आया था अल्फा तो पूरा रिंग आएगा तो 2 पाई लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट था हमारा एट एक्सिस पर जो हमने फाइंड आउट किया था वो था आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर ए हुई रेडियस इंटू में आई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। ये वाला आपका लास्ट रिजल्ट था। तो देखिए आप दोनों फॉर्मूले आपके सामने है, अब सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है वो देखिए। एक रिंग हमने इस तरह से ली ये वाली, इससे एक्स दूरी पर पी पॉइंट ले लिया, इसी के परपेंडिकुलर एक्स दूरी पर दूसरी रिंग रखी हुई है बिल्कुल आइडेंटिकल रिंग ये वाली, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ओके। ये फर्स्ट रिंग है, ये हमारी सेकंड रिंग है और ये इसमें करंट है और ये इसमें करंट है, ठीक है बेटा। तो वही फिर से ये इसकी इनसाइड, ये इसकी आउटसाइड और इस केस में ये इसकी इनसाइड और ये इसकी आउटसाइड। तो वही आप अपनी रिंग में देखेंगे डायरेक्शन कैसे आएगी। तो ये कहता है फाइंड बी नेट एट पी पॉइंट, आपको बी नेट फाइंड आउट करना है, करें सर तो बताइए बच्चों। फर्स्ट वाले के लिए पहले डायरेक्शन चेक कर लीजिए, ये इन तो यहाँ पर फिंगर्स रख लीजिए और उसकी डायरेक्शन में घुमा लीजिए बाहर की तरफ। तो ये थम आया तो पहले वाले की वजह से ये आ गया B1 वेक्टर। बोलो लिख लोगे पी पॉइंट यहाँ होना लिख लोगे। अब इन वाली साइड पे फिंगर्स रख दीजिए करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रोल कर दीजिए और ये आपका ऐसे रोल हो गया करंट तो थंब ऊपर चला गया तो ये आ गया आपके पास B2 वेक्टर। अब आपके पास दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ चुकी है, ठीक है। अब आपको दोनों के लिए मैग्नीट्यूड लिखना है और फिर टोटल निकालना है नेट निकालना है। तो देखिए बेटा पहले B1 इक्वल टू, अब देखो दोनों की रेडियस ए है बेटा, इसकी रेडियस भी ए है, इसका रेडियस भी ए है, द
दोनों से दूरी भी x है, दोनों से दूरी भी x है। इसका मतलब ये है अगर हम डायरेक्शन ना देखें तो इस वाली रिंग और इस वाली रिंग का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो इक्वल आने वाला है, यही मतलब है, ठीक है। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 pi, फॉर्मूला जो कहता है 2 pi a² इनटू में करंट, ठीक है, करंट भी सेम है, डिफरेंट होता तो हम अलग ले लेते, अपॉन में a² प्लस x² की पावर 3/2, क्या ये मेरे पास b बना जाएगा, ठीक है बेटा, डायरेक्शन मैंने फिगर में शो कर रखी है। इसी तरह b2 लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 pi 2 pi a² इंटू आई अपॉन में a² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है बेटा। देयरफॉर b1 इक्वल टू b2 पर b1 परपेंडिकुलर टू b2, बोलो बेटा फिर से बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट √2 टाइम्स ऑफ b1, तो यहाँ पर b1 लिखो या b2 क्योंकि दोनों बराबर है, तो √2 और इनटू में म्यू नॉट अपॉन 4 pi 2 pi a² इंटू आई डिवाइडेड बाई a² प्लस x² की पावर 3/2, ये आपका फाइनल रिजल्ट है बेटा बी नेट पी पॉइंट पर, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। बोलो बच्चों आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है कर लोगे बेटा, ओके। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखने हैं, ओके ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, आज ये लॉ कहता क्या है वो सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ, पहली बात तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो सिमेट्रिक सर्किट पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो बेटा ये सिमेट्री पर बेस्ड है, कैसा है ये सिमेट्री पर बेस्ड है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के काम में आता है, क्या करता है ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता है, ओके। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इसका हम यूज करते हैं, ओके। और सिमेट्री बेस्ड है, कैसा है सिमेट्री बेस्ड, सिमेट्री बेस्ड, ओके ओके। तो देखिए बेटा आपका सिमेट्री बेस्ड ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब इसमें ये क्या कहता है, जैसे आपने गॉस थ्योरम पढ़ी थी ना, कुछ इस तरह ही इसमें है बेटा, ठीक है। तो ये कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग थ्रू दिस लूप या करंट एनक्लोजिंग बाय दिस लूप। स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक मिनट, लाइन इंटीग्रल लॉ, दिस लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दिस लूप। स्टेटमेंट क्लियर है बेटा, इस लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप के ऊपर इक्वल टू आएगा म्यू नॉट टाइम्स उस लूप में से कितना करंट पास होगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए, हमारे पास बी नॉट डीएल है वो इक्वल टू म्यू नॉट आई इन
आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे हमारे पास ये कंडक्टर है, ध्यान से समझ लेना बेटा, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है ऐसे हमारे पास, और इसमें आई करंट ऐसे जा रहा है, ओके। हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा के चलेंगे और राइट को लेके आएंगे, तो ये आई करंट है बेटा। अब सिमेट्री बेस्ड बोला तो सबसे पहले यहाँ पे एम्पीरियन लूप लेनी होगी हमें, क्या लेनी होगी, एम्पीरियन लूप, और वो गिवन कंडक्टर के सिमेट्री होगी। तो बेटा यहाँ पर जो लूप होगी वो हमारी सर्कुलर लूप आएगी, कैसी लूप आएगी, सर्कुलर लूप आएगी। तो मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लूप ले लिया है और इस लूप के सेंस ले लिया, क्या लेंगे, सेंस, यानी कि लूप कैसे घूम रही है, ठीक है। जो डीएल है ना लूप का छोटा सा एलिमेंट मानेंगे डीएल, तो उसके लिए आप डायरेक्शन दिखाएंगे कि डीएल कैसे एक्ट कर रहा है। तो मैंने अपनी लूप ऐसे ली, तो ये है हमारी एम्पीरियन लूप, ठीक है, ओके बेटा। अब देखिए जो लूप है उसके लिए जो डीएल होगा क्या वो इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, स्मॉल डीएल छोटा सा जो टुकड़ा लूंगी लेंथ, तो इसी डायरेक्शन में मैंने लूप ऐसे ही सिलेक्ट किया है। और इस कंडक्टर के चारों तरफ जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो भी आपकी ऐसे ही घूमेगी बेटा, बोलो बच्चों ऐसे ही घूमेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे आएगा, बी वेक्टर, वो भी इधर ही आएगा, ठीक है। तो थीटा कितना बन गया यहाँ पर, जीरो डिग्री, तभी सिमेट्री बोला है इसको बेटा। तो इस लूप के हर पॉइंट पर बी और डीएल के बीच का जो एंगल है वो जीरो डिग्री है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब उठा लीजिए लेफ्ट साइड को, लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया हमने, ये लिख लिया बी डॉट डी एल, ठीक है। चलिए भाई इसको बी को अलग डीएल को अलग कोस, अब एंगल दोनों के बीच जीरो डिग्री, ठीक है भाई। बी को बाहर कर दीजिए और ये डीएल अप्लाई कर दिया, ओके। तो बी, बी किसका, इस स्ट्रेट कंडक्टर का, हमें मालूम है स्ट्रेट कंडक्टर का ए दूरी पर कितना होता है, ये होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई ए, बोलो बेटा टू आई बाई ए, ये होता है ना जब दोनों एंड इनफाइनाइट पे होते हैं, एक एंड होता है तो आई बाई ए आता है, तो टू आई बाई ए। अब साथ में इसका जो इंटीग्रेशन होगा, तो देखिए इस लूप का छोटा सा डीएल है ये, तो पूरी लूप का पूरी लेंथ क्या होगी, टू पाई ए, तो टू पाई ए मल्टीप्लाई कर दीजिए टू पाई ए। तो बेटा जी ए से ए गया, टू इंटू टू फोर गया, पाई से पाई गया, तो आपका बच गया म्यू नॉट आई, और ये आई वही आई है जो इस लूप में से पास होता था। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ से कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज लूप हमारे पास म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड द लूप आएगा, बोलो बेटा। तो ये आपका था एम्पीयर सर्किट का लॉ और उसका प्रूफ, ठीक है बेटा। अब छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपके पास मान लीजिए ये दिया गया हो और वो आपसे कहे एम्पीयर सर्किट का लॉ की स्टेटमेंट आपको बतानी है, यहाँ पर ये लूप है तो पहला करंट आई ऐसे जा रहा है आई वन, दूसरा करंट आई टू ऐसे जा रहा है, तीसरा करंट आई थ्री इस तरह आ रहा है और आई फोर इस तरफ जा रहा है। तो आपको लिखना है बी डॉट डी एल लिखना है, तो म्यू नॉट टाइम्स होगा और यहाँ आई क्या आता है बेटा इन, तो आई इन कौन है यहाँ पर। अब इस लूप के अंदर ये तो है नहीं, तो इसको तो भूल जाओ, टोटल चाहिए ना हमें लूप के अंदर का। तो बच्चों सबसे पहले अपनी डायरेक्शन चूज कर लेना, मेरी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाली डायरेक्शन अगर नेगेटिव है, तो अब इधर जो करंट जा रहा है वो पॉजिटिव, तो आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई वन पॉजिटिव, आई टू पॉजिटिव, आई थ्री नेगेटिव, माइनस आई वन। लेकिन अगर आपने इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन आपने नेगेटिव ली होती और ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली होती बेटा, तो यहीं पर आपका बी डॉट डी एल जो है वो क्या हो जाता, म्यू नॉट माइनस आई वन माइनस आई टू प्लस आई थ्री हो जाता। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये इसके लिए, ठीक है।
तो बच्चों यहां तक आप अच्छे से कीजिए, नोट्स को प्रॉपर आप अपना रेडी रखिए, तैयार रखिए, ठीक है, ओके।